मर गए रे भाग लोहे का मानुस। अगर गाइस हमें पीछे पड़ गया, मेरे पीछे पड़ गया गाइस। दोबारा से माइनक्राफ्ट, माइनक्राफ्ट के आज के सवाल वीडियो में हम लोग माइन कर सकते हैं कुछ भी, समझ रहे हो ना गाइस, कुछ भी लिटरली। मतलब जैसे भाई माइनक्राफ्ट में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, किसी भी ब्लॉक को माइन करने के लिए हमें पिकैक्स की जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है, उसकी जरूरत पड़ती है, बट हम लोग ब्लॉक ही माइन कर सकते हैं फिर भी। बट आज की इस वाली वीडियो में हम लोग कुछ भी, लिटरली कुछ भी माइन कर सकते हैं। जैसे कि हवा हो गई, हवा नहीं होती क्या माइन। ओके, यहाँ पे बुक है गाइस, पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन्फोरमैनिक क्या है भाई, कुछ तो है एडवांस। एक जॉम्बी आ रहा है गाइस, हम लोग थोड़ा सा दूर चल लेते हैं फिर मैं माइन करने के बारे में सोचूंगा। साढ़े ये जॉम्बी अलग कमीने होते हैं, पर क्रीपर तो कुत्ते से भी वर्कर होते हैं भाई। भाई साहब वे पीछे एक और स्केलेटन पड़ गया भाई, भाई मेरे छोड़ दो मुझे, आई एम रियली रियली सॉरी गाइस, पर ये बुक मुझे पढ़नी पड़ेगी आई थिंक सो, एंड इसी के लिए ये सब हो रहा है। तो चल ले मेरे भाई, चल ले। A few moments later. एकदम पीछे वाले चेस्ट पे डाल देता हूँ। एंड वाइज आज देखो ना यार, आज आते हम लोग को यहाँ पे क्या मिला हुआ है, फायर रेसिस्टेंस 997। भाई साहब फायर रेसिस्टेंस मिला हुआ है, वो भी 997 मिनट्स का, एंड 51 सेकंड्स अभी भी बाकी है भाई। क्या एक सेकंड में क्या पहन के रखा है, आधा आर्मर है मेरे पास आते ही। वही क्या है भाई, लावा हेलमेट है, एंड ये भाई वाटर बूट्स। भाई क्या होगा भाई इस वाटर बूट से, एक बार ट्राई करें क्या। वेट अ सेकंड, हम लोग शायद वाटर बूट से हम लोग क्या कर सकते हैं वैसे, वाटर बूट से आई थिंक सो MLG से कुछ होता है, पर यार डैमेज गिरा यार, वेट अ मिनट, डैमेज तो पड़ गया भाई मेरे को। ओके गाइस, तो भाई जैसे कि हम लोग इस वाले वर्ल्ड में करने वाले हैं, हम लोग कुछ भी माइन कर सकते, तो हम लोग कुछ भी, इससे मेरा मतलब है थोड़ा सा पानी माइन करके देखा जाए एक बार। ओके, तो ये रहा पानी, क्या ये माइन होगा, ठीक है हाथ से ऐसे माइन नहीं होगा ना भाई, आई थिंक सो ये हाथ से माइन नहीं हो रहा। बट हाँ हम लोग पहले सामान बना लेते हैं अपना थोड़ा सा, यहाँ पे स्टिक भी पड़ी हुई है वैसे। A few moments later. ओए भाई क्या यहाँ पे हम लोग वाटर माइन कर सकते हैं क्या भाई पानी में नहीं गिरना था यार, शिट। क्या हम लोग पानी माइन कर सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है गाइस। एंड वेट अ मिनट, मैंने माइन कर लिया था, क्या ये माइन हो रहा है, नहीं तो नीचे माइन हो रहा है, ये क्या माइन कर रहा है भाई मेरा। हेलो मिस्टर का माइन हो रहा है इधर, सच में समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे माइन कर लिया मैंने, वाटर माइन कर लिया भाई। ये देख रहे हो भाई कहाँ गया वाटर, कहाँ गया भाई, मैंने लिटरली माइन कर लिया। इसे देखो गाइस, हम लोग नॉर्मली डर्ट माइन करते हैं, एंड इधर हम लोग, मैं बैठ के एक बार माइन कर लूँ 5 मिनट। ये वाटर लिटरली माइन हो रहा है भाई, मुझे तो फेक लग रहा था ये, आ गया वाटर, वाटर माइन होकर नीचे चला गया। नहीं नहीं भाई मेरे को चाहिए वाटर, चाहिए भाई। वाटर का ब्लॉक कैसे दिखता है, लिटरली गाइस हम लोग देख सकते हैं भाई वाटर का ब्लॉक कैसे दिखता है, भाई वाटर का ब्लॉक कैसे दिखता है, दिस इज वाटर गाइस, एंड कुछ हवे जैसा नहीं दिख रहा। मुझे हवे जैसा क्यों दिख रहा है यार, क्या हम लोग वाटर का कुछ बना सकते हैं, आई एम नॉट श्योर कि बट बना सकते हैं, मुझे तो लग रहा है कुछ बना पाएंगे या नहीं, आई डोंट नो, बैठ के माइन करता हूँ ना फिर। माइन हो जा बेटे, ये भी टूट रहा है गाइस, दिस इज हियर, हम लोग बना सकते हैं भाई। वेट ए मिनट, हम लोग क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे लगा के देखते हैं भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। भाई साहब मेरे पास दिमाग में बहुत से ब्लॉक्स आ रहे हैं, हम लोग माइन कर सकते हैं लिटरली भाई। बेडरॉक मुझे याद आ रहा है अभी कि भाई हम लोग, बैठ भैंस की तू रुक जा, सामान तो बना ही लिया है मैंने, तो तू भी बेटा जाएगा रौरा वाले, उसकी पूछ गाइस, दिमाग खराब कर रहा था ज्यादा ही। तो हम लोग अभी क्या क्या बना सकते हैं भाई, एक बार दिखाना, बहुत सारी लिमिटेड चीजें है भाई, ये क्या है, क्लिक हियर, ये क्या है भाई। ओ हम लोग इसे पिकैक्स भी बना सकते हैं, वो भी बेडरॉक की, भाई मुझे ये ट्राई करना है भाई, आई एम डैम श्योर गाइस मुझे ये ट्राई करना है, एंड इसके लिए भाई जितना भी सामान लगेगा मैं सब बनाऊंगा भाई। क्या हम लोग हवा को माइन कर सकते हैं, सच में हवा नहीं चल रही क्या यहाँ पे, फिर हवा इससे माइन हो जाती होगी, इससे माइन होती है वैसे हवा,
1 hour later मैं रेंड में आ गया, मैं ऐसे भाग रहा हूँ कि मतलब क्या ही बताऊं गाइस। यार हट जा मेरे भाई, इसने तो वो मेरे को माइनर दी ही नहीं भाई, जिसकी वजह से हम लोग सब माइन कर सकते हैं। वैसे अब मेरे को लग रहा है यहीं पे एक रात बितानी पड़ेगी हम लोग, क्योंकि विलेज तो अभी मिल नहीं रहा भाई, दूर दूर तक विलेज नहीं दिख रहा भाई मुझे। ये क्या है भाई? अरे 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 राम 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 राम, ऊपर वो अलग घूम रहा है भाई, लेट्स गो। सच में कोई विलेज नहीं है भाई, मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने चाहिए थे, अच्छा हम लोग को कुछ विलेज मिल जाता था, बोल नहीं सकते वैसे में हम। ओके मैं यहीं पे खड़ा लेता हूँ तब तक भाई, वो क्रीपर का बच्चा जब तक नहीं जाता वहाँ से, मैं तो नहीं जाऊँगा, तुम लोग भी मत जाना। मैं कोऑर्डिनेट्स इनेबल कर देता हूँ थोड़े से भाई। भाई भाई फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है भाई, बहुत टाइम लग गया मुझे। एंड अब मेरे को कोई विलेज ढूंढना पड़ेगा इस, पहले तो हाँ फिर उससे पहले थोड़ा सा माइनस की ओर विलेज होता है गाइस, मेरे को ज़्यादा पता है, इतना तो मेरे को पता ही है भाई माइनस की ओर विलेज होता है। तो पहले हम लोगों ने अपना जितना भी कोऑर्डिनेट्स सबको माइनस पे लेके जाना पड़ेगा। एंड ये माइनस पे अगर विलेज होता है तो उससे पहले हम लोग थोड़े से यहाँ पे अपने सामान भी बना लेता हूँ, ताकि भाई लास्ट में ऐसा ना लगे कि भाई कुछ किया ही नहीं हमने इस वाले वर्ल्ड में। अपना मेन गोल होने वाला है गाइस कि हम लोग जो बेडरॉक है उसे माइन कर सके, एंड जितना जल्दी हम लोग बेडरॉक को माइन कर लेंगे तो समझ लो यार हमने गेम ही ख़त्म कर दिया। क्योंकि तुमको भी पता है मुझे भी पता है कि भाई हम लोग किसी भी गेम में, लिटरली किसी भी गेम में बेडरॉक को माइन नहीं कर सकते, क्योंकि बेडरॉक के ऊपर हमारी पूरी की पूरी दुनिया है, बेडरॉक के ऊपर अपनी पूरी की पूरी दुनिया है, एंड जो नीचे है जो वो है नेदर, एंड जस्ट अपने अपनी दुनिया के मतलब अपने ओवरवर्ल्ड के ऊपर क्या है तुम्हें तो पता ही है भाई, क्या है बताओ? बस अपने ओवरवर्ल्ड के ऊपर है, अरे ओवरवर्ल्ड है क्या भाई सच्ची, क्या है मैं भूल। 2000 years later ओके तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने विलेज के पास, एंड भाई बीच में मेरे को थोड़े से जानवर काटने पड़े ताकि हम लोग को फूड फिर से मिल सके भाई। मेरा लिटरली हंगर बार जा चुका था, एंड आधे उधर पे मैं आगे पहुंच चुका हूं। एंड भाई आसपास एक देखो यहाँ पे गोलम भी है, तो हम लोग से टेस्ट कर लेंगे थोड़ा। तो एक काम करते हैं भाई, अपना पहले यहाँ पे जो बेसिक सामान है वो बना लेते हैं, जो कि है क्राफ्टिंग टेबल। थोड़ा जल्दी बन जा, थैंक्स। ऐसे हो गया, एंड अब हम लोग को यहाँ पे चाहिए एक्स पिकेक्स सब चाहिए, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, इसे भी सामान कर लेते हैं जल्दी काम। क्या A few moments later जब मैं आ रहा था ना भाई, एक पेड़ के ऊपर चढ़ने की भी ट्राई कर रहा था, बट ये विलेज दो साइड्स में कैसे डिवाइडेड है भाई? और यहाँ पे तो भाई ये तो है ना स्मेल्टर भी तो है भाई, ये भाई साहब इसके पास चेस्ट भी है गाइस, वैसे ब्लैक डायमंड्स, व्हाट द हेक भाई, एक्स बन गई भाई, डबल क्लिक से आ गया ये, अपना ब्रेड भी मिल गई भाई, एक्स बन गई भाई, लेट्स गो। तुम्हारा भाई है कि एक नंबर का इंसान। अब देखो गाइज, अब ना हम लोग यहाँ से जो हवा को भी तोड़ सकते हैं, तो एक काम करता हूँ, कैसे हवा तोड़नी है वो मैंने थोड़ा सा सीख के आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को याद नहीं था, पता नहीं था कैसे तोड़ते हैं। अब हम लोग बनाएंगे भाई 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर हम लोग जा नहीं सकते आई थिंक सो। ओके अब हम लोग तोड़ना है, टूटता क्यों नहीं भाई, नहीं हवा क्यों नहीं टूटी, एक सेकेंड। 1 hour later तो गाइस फाइनली यार 35 ब्लॉक्स मैंने तोड़ लिए हैं इसके एयर के गाइस, यहाँ पे तुम देख सकते हो लिटरली ये एयर है भाई, लिटरली हम लोग हवा को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं भाई साहब, मतलब एनीथिंग का मतलब यहाँ पे एनीथिंग ही है भाई, कुछ नहीं मतलब तुम समझ रहे हो भाई कि ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता भाई, यहाँ पे एनीथिंग का मतलब लिटरली एनीथिंग है भाई। मैंने यहाँ पे देखो एयर तोड़ लिया, एंड उसकी एक स्वर्ड बनती है यहाँ पे जो इलीगल है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है भाई ये इलीगल है, तो हम लोग ऐसे इलीगल चीज़ों को वैसे हम ट्राई कहाँ करते हैं इलीगल एरियाज पे, तो हम लोग अभी इलीगल एरिया पे ही है, मतलब ये वाला वर्ल्ड पूरा ही इलीगल है, बट हम लोग उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ पे गोलम दिख रहा था भाई मेरे को, कहाँ गया वो भैंस की पूछ, आज उसे अपनी शक्ति का जो एहसास है भाई वो दिखाता हूँ। एंड ये क्या है इसका जो स्पेसिफिकेशन क्या है देखो यार, इलीगल स्वर्ड प्लस 7 डैमेज है इसका, एंड अगर मैं इसे गोलम को मारूं तो क्या गोलम उड़ेगा जैसे? अरे नहीं 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 ये तो मारेगा, आ रहा है भैंस की पूछ भाग ले भाई मेरे भाई भाई यार भाई, ये तो मारने आ गया मेरे को भैंस की आग। अरे नहीं मेरे गोलम भैया आए, आई एम सॉरी गलती हो गई मुझसे,
गोला मैया सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दो गोला मैया, माफ कर दो। बिच्छू आ गया क्या मेरे? अरे नहीं नहीं मैं भाग रहा हूँ भाई, सॉरी सॉरी भाई। ये वो भी स्पर्ट से तो उड़ता था गोला, अभी क्यों नहीं उड़ रहा ये भाई? ये तो उड़ता था यार, मैं मामा मार के तुझ मर गए रे भाग। लोहे का मानुस अगर गाइस हमें पीछे पड़ गया, मेरे पीछे पड़ गया गाइस, ये मेरे पीछे पड़ गया है, मर गए भाई हम तो मर गए भाई। एयर की स्वर्ड है, मेरे को लग रहा था इसे उड़ा देगी। हाँ ये तो भाई गोलम मेरे पीछे आ गया उड़ाने के लिए। भाग मेरे बाप, भाग 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 रे भाई मेरे, भाग 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 भाग। अब गाइस एक ही काम करते, किसी मस्त वाली केव में चले जाते हैं एंड इससे अपना पीछे छुड़ाते हैं। भाई मैं जा रहा हूँ भाई, मेरे माफ हो गया, माफ कर दे भाई। ये गाय कैसे उड़ी, बिल्ली कैसे उड़ी थी, कि गाय बिल्ली बन गई क्या भाई? क्या हो रहा है यहाँ पे भाई? भाई अभी रूइन पोर्टल है, आई थिंक सोच रूइन पोर्टल में कुछ हमें अच्छा मिल जाए। भाई 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 मेरी आंखें खराब हो गई थी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से मार दिया तुझे, माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे मेरे भाई। अब तो ना आ रहा, अब तो ना आ रही। नहीं भाई नहीं भाई, मैं रो डालू भाई। अगर एक और बार आ गया ना आयरन गोलम, लिटरली मुझे पीट पीट के आधा अधमरा कर देगा। आधा क्या, आधा पाधा कुछ में अधमरा कर देगा लिटरली। एंड ये फ्लिंट है, ओके फ्लिंट है, हम लोग नेदर जा सकते हैं, बट नेदर में से कोई माइनिंग करने का सामान है नहीं, तो हम लोग सीधे अपने केव में ही चलते हैं। ठीक है जा गए इस केव, एंड हम लोग बस नीचे डिग डाउन करते जाना है, करते जाना है, एंड बेड रॉक के पास पहुँचना है, समझ रहे हो? अगर तुम समझ रहे हो ना गाइस, जल्दी से लाइक कर दो। एंड भाई मैं बेड रॉक के पास पहुँचने की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं गाइस मेरा गला क्यों ऐसा हो रहा है, शायद से किसी ने मेरा जो वॉइस बॉक्स है ना वो माइन कर लिया है गाइस। हो रहा गोलम, वन आवर लेटर। भाई ऐसे सीधे ही वो है, बट ये कभी कभार ये बूट्स काम नहीं करते ना, फिर तो हो जाता है खेल। ओके लेट्स गो, चलते हैं एंड जो की देखी जाएगी। अब अपने पास सामान भी है एंड हाँ अपने क्राफ्टिंग टेबल से मैं थोड़ा सा ये काम कर लेता हूँ, तब तक तुम लोग लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दो भाई। अगर बना लिया उसने अपने को, वो मारेगा इतना कस के हम हंस के बिना बोल पाएंगे एंड भाई तब से मेरी हंगर बार, टोटल मेरे हंगर बार गया नहीं है वैसे एंड अब मेरे को जाना चाहिए नीचे ताकि हमारा हंगर बार ना जाए एंड अपने को जल्दी से बेडरॉक मिल जाए ताकि हम लोग बेडरॉक की क्या बना सके, बेडरॉक के पूरा का पूरा मतलब तीन बेडरॉक हमें चाहिए ताकि हम लोग बेडरॉक के पिकैक्स बना सके। एंड भाई बेडरॉक के अगर हम लोग पिकैक्स बना सकते हैं तो भाई तुम लोग सोचो हम लोग लिटरली क्लाउड्स का क्या बना सकते हैं भाई। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ भाई एकदम एयर के ऊपर हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो लाते हैं एंड ग्राउंड के लिए एक अलग पर्टिकुलर वीडियो, ताकि तुम लोगों को पर्टिकुलरली मज़ा आ सके एंड समझ में भी। तो ओके लेट्स गो। तो इस फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका है यहाँ पे नीचे एंड आके भाई सीधे मैंने लूट मचाई है इन गोल्ड्स की एंड यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे अपने रेड स्टोन बढ़ा हुआ था तो मैंने वो भी उठा लिया है ताकि मज़ा आएगा भाई, क्योंकि एंड यहाँ पे कोल तो मैं लाना ही भूल गया, मतलब लाना भूला नहीं, वो वही ख़त्म ही हो गया कोल में बस टाइम स्टिक से। अभी तो कैसे बनाऊँगा यार, शायद से मेरे पास दो प्लैंक्स पड़े हुए हैं, उन्हीं से बना लूँगा बाद में। एंड अभी देखो यार यहाँ पे मेरे को बेडरॉक तो मिल ही गया है, बस हम लोग इसे माइन करना है। एंड देखो गाइस कुछ कुछ बंदे तो भाई लगे होते लिटरली 365 डेज ऑफ माइनिंग बेडरॉक, ये वो लगे होते, बट तुम्हारा भाई कितना इजीली लिटरली इतना इजीली यहाँ पे माइन कर रहा है बेडरॉक को। एंड बेडरॉक गाइस कोई ईजी वे तो है नहीं भाई बेडरॉक को ऐसा माइन करने का डायरेक्ट, भाई देखो भाई कितना इजीली माइन हो रहा है भाई, जो स्ट्रीम करते रहते हैं ना भाई तीन तीन घंटे चार चार घंटे बैठ बैठ के कि भाई माइनिंग बैड रॉक फॉर 365 डेज इतना उतना, भाई उन लोगों को एक बार बता देना कि कोई है भाई इसने बैड रॉक ऐप से माइन कर लिया। एंड लेट्स गो, ये वाला तो माइन नहीं हो रहा, अब देखते शायद से ये माइन हो जाए। एंड हाँ ये माइन हो रहा है, दूसरा वाला मतलब सबसे जो लास्ट वाला है ना भाई वो माइन नहीं हो रहा, ऊपर ऊपर वाले हो जा रहे हैं। तो ओके ऐसे भी हमें इसे बनाना पड़ेगा। ओके तो गाइस मैं अभी देखो भाई बनाऊंगा तो सोच रहा हूँ, बट मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है वैसे, चार बेडरॉक पड़ा हुआ ना, चार से बन जाएगा आई थिंक सो, तीन से बनता है तो भाई एक बिगेस्ट तीन से बनता है तो आराम से बन जाएगा भाई। लेट्स गो, बेडरॉक के
पिकैक्स बना रहा हूँ भाई पहली बार। क्लिक हियर एंड आई गॉट अ क्लिक हियर गाइस। वाह ये कुछ आ गया एंड इस क्लिक हियर की वजह से हम लोग क्या तोड़ सकते हैं भाई, क्या हम लोग इस ओवर वर्ल्ड को तोड़ सकते हैं? टैम श्योर नहीं हूँ मैं। इसके नीचे भी एक और बेड रॉक है, हम लोग एकदम एंडिंग का भी बेड रॉक तोड़ सकते हैं इससे भाई। अब देखो अब मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को क्रिएटिव यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये हमने वाला चैलेंज कंप्लीट कर दिया है एंड फाइनली गाइस हमने सारे चीज़ों को माइनिंग करने के लिए हम लोग जो जो सामान चाहिए होता है मैंने सारा का सारा बना लिया एंड तो मैं यहाँ पे देख सकते हो भाई। क्राफ्टिंग में जाता हूँ तो हम लोग यहाँ पे आके अगर मैं ऑल कर दूँ इसे एक बार के लिए तो ये आता है वाटर का बनाए हुए ये बूट्स है गाइस, एक तरह से जो मैं पहले से हम लोग स्पॉनिंग से हम लोग को मिल गया था बूट्स, तो मेरे पास बूट्स तो अवेलेबल है। फिर आ जाता है अपने पास एक और ये जो लावा का जो हेलमेट है ना गाइस, ये बनाने के लिए हम लोग को मिलता है यहाँ पे एक दो तीन चार लावा। ये चार लावा तो अपने पास पहले से अवेलेबल था तो हम लोग का बना हुआ था आई थिंक, मैंने सच बता रहा हूँ मैं नहीं बनाया भाई इसे, बट ये पहले से बना हुआ था एंड अब मैंने फाइनली आके जो तीन चीज़ें हैं मेन हमने उसे बना दिया एंड कंप्लीट कर दिया जो कि है ये एंड तुम्हारे भाई ने इसी के साथ चैलेंज भी कंप्लीट कर दिया। बट एक सेकेंड, हमने बेडरॉक माइन किया, हमने ये सब कुछ माइन किया, क्या हम लोग इसकी मदद से कुछ और भी पूरा होल्ड माइन हो गया ब्रो। पूरा वर्ल्ड ही माइन हो गया ब्रो, एक मिनट लेजेंड गाइस एक पूरा होल्ड माइन हो गया भाई, सॉरी भाई पूरा का पूरा एरिया माइन हो गया भाई लिटरली, मैं सच बता रहा हूँ गाइस। मैंने बस एक बार पिकैक्स चलाई थी, लेजेंड गाइस यहाँ पे सब कुछ माइन हो चुका है। मैं बस एक बार पिकैक्स चलाई थी ताकि हम लोग ये जो है ना भाई वो रेड स्टोन ले सकें एंड मेरी इन्वेंट्री भी फुल हो गई। क्या भाई मेरी इन्वेंट्री भी फुल हो गई है? अरे यार भाई ये तो अलग ही हो गया फिर, क्या बताऊँ तुम्हें भाई। अगर ये सी पिकेक्स हमारे पास, इसकी पावर मैं टेस्ट कर रहा हूँ गाइस, तुम यहाँ पे देखो एंड उसमें से तोड़ दो एक बार इस वाली पिकेक्स से तो देखो फिर क्या होता है। बेडरॉक से हम लोग अभी कोबल को तोड़ रहे हैं एंड पूरा का पूरा आर पार हो जाएगा भाई। अब जस्ट वन अच्छा भाई हम लोग इसे बस और जी माइन कर सकते हैं क्या? बट हमने पूरा का पूरा एक एरिया माइन कर दिया गाइस, इतना बड़ा चंक माइन करने में हमें लिटरली एक साल लगता था रियल वाले माइनक्राफ्ट में, अभी हमने बस इसे सेकंड्स में माइन कर दिया है, जस्ट इन सेकंड्स गाइस। तो भाई ये वाला भाई बहुत ज़्यादा मजा है भाई ये वाला खेल के एंड गाइस तुम सच में कमेंट करके बताना भाई कैसा लगा तुम्हें ये देख के। भाई मैं तो भाई एक बार के लिए ये हो गया था कि भाई पूरा गया वर्ल्ड क्रैश हो गया, कुछ तो हो गया वर्ल्ड में एंड अब मुझे पता चल रहा है भाई लिटरली इसने इतना बड़ा चंक माइन कर दिया भाई। भाई इतना बड़ा चंक हम लोग लिटरली यूज़ करते हैं तब जब हम लोग को एक्सपी फार्म बनाना होता है एंड भाई इतना बड़ा चंक इसने बस एक बार मारने से माइन कर दिया लिटरली। भाई मैं हो गया पागल। पाइकोटी बेडरॉक भाई क्या है इसका नाम मुझे नहीं पता है, कौन से लेवल का है मुझे भी नहीं, वो भी नहीं पता है। प्लस 3 का अटैक है इसका तो डैम श्योर गाइस ये वाला मोड मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया। तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो बस इतना ही गाइस, क्योंकि चैलेंज हो चुका है कंप्लीट, तो आज की वीडियो बस इतना ही। खूब तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड भाई जैसे इनसेन मोड गाइस मैं सच बता रहा हूँ भाई मुझे तो मजा आ गया, मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।